आज दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को यहां शारदा नॉर्थ जोन में दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग और यहां के जो डिप्टी कमिश्नर हैं ऑनरेबल विनोद अत्री साहब, उनके साथ एक बैठक हुई है। यहां तमाम ऑफिसर भी मौजूद हैं, जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर, एओ वगैरह, हमारे एसएस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी यहाँ मौजूद हैं, लेबर डिपार्टमेंट के संदीप भारद्वाज भी मौजूद हैं और तमाम यहाँ हमारे सफाई कर्मचारी और संगठन के लोग भी शामिल हैं। प्रमुख से आदरणीय राहुल टांगे जी, राजेश गांधी जी, मोहन चंदेल साहब, कुलदीप चिंगाली जी, सभी के साथ में यहाँ मौजूद हैं। आदरणीय पप्पू प्रधान जी, समाज सेवक हैं, यहाँ मौजूद हैं। और देखिए, ये सच्चाई है, काम को और सिंप्लीफाई करने के लिए हम खुद दूसरे जोनों में जाते हैं, सभी जोनों में जाते हैं, ताकि काम में और तीव्रता ला सके। आज इस प्रकार से शारदा नॉर्थ जोन का हमने काम देखा, यहाँ पे लगभग इससे हम सेटिस्फाइड हैं। और सबसे ज्यादा जो हमें तसल्ली हुई है, यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, इनका जो आचरण है, क्योंकि बहुत ही जो संवेदनशील हमारा महकमा होता है, बहुत ही ज्यादा इज्जतदार एक महकमा है, वहां से ये हैं, इन्होंने आज हम सब को आश्वस्त किया है, क्योंकि केवल 8 महीने अब यहाँ पे हमें काम पूरा समझ में आ चुका है। इन्होंने कहा कि 24 घंटे यहाँ दरवाजे खुले हैं, कोई भी कर्मचारी स्वयं अपनी स्वेच्छा से भी यहाँ मिल सकता आके, बशर्ते उसका काम तो जेन्युइन हो और कोई कर्मचारी अपनी फाइलें हाथ में लेके ना घूमे। हाँ, ऐसे भी माना गया है कि कई बार इंस्पेक्टर अपने कनाई में जानबूझ के तंग करते हैं, तो उन सबका इलाज है इनके पास में। इन्होंने कहा कि अगर कोई जेन्युइनली तंग भी करता है किसी को, तो एसएस के मार्फत, एसी के मार्फत, जी साहब से स्वयं मिलकर अपनी समस्या को रख के वहां पे निदान कह सकता है। देखिए, इसमें जो हमारे पक्के होने वाले कर्मचारी हैं, लगभग सारी फाइलें वहां भेजी जा चुकी हैं, क्योंकि शारदा साउथ और शारदा नॉर्थ में ज्यादा ही बल्क में सफाई कर्मचारी उस समय लगे हुए 2000 में, इसलिए ज्यादा है। यहाँ पे 2185 कर्मचारी टोटल, जिनमें से लगभग आधे तो परमानेंट हो चुके हैं, कुछ की फाइलें वहां हैं। ऐसी जो करोड़ों लोग आधार के हैं, उनका भी काम प्रोसेस में जारी है। साथ साथ हमने एक प्रार्थना और की गई है, इसके अंदर बताया गया है इनको कि कुछ कर्मचारियों ने शिकायत की कि उनको स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया है, अगर वो उनकी जेन्युइन समस्या को देखा जाए तो उनको वापस रिटेन किया जाएगा डेम्स के डिपार्टमेंट में। साथ में ये भी आश्वस्त किया जाता है कि उनको जो औजार है उनकी क्वालिटी देखी जाएगी, और बल्कि हम तो कोशिश करेंगे कि एक बार डीसी साहब के साथ जाके जो हमारे स्टोर है जहाँ से सामान आता है वहाँ उनका क्वालिटी का होना चाहिए, इसकी भी विजिट कर लेंगे, ताकि सामान अच्छा मिल सके कर्मचारी को, तभी अपनी मेहनत से काम कर पाएगा। अभी जो हाल में कर्मचारी अपने पास से झाड़ू भी और जो पॉलिसी वाला सामान है अपने पास से ही लाता है। इसमें जो ईपीएफ का बर्निंग इशू है, ईपीएफ के मामले में सभी कर्मचारी को आश्वस्त किया जाता है कि इस मामले में पीएफओ के जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग करके, हेयरिंग करके, आयोग को बुलवा के और यहाँ के कंसर्न अधिकारियों को बुलवा के इस मामले का पटाक्षेप किया जाएगा, और सभी जो डेट ऑफ बर्थ है, नाम की जो करेक्शन होनी है वो ठीक किया जाएगा। और साथ साथ जितने भी हमारे सफाई कर्मी सुन रहे हैं इस बात को, उन सबको ये भी कहा जाता है एक डेट निश्चित कर ली जाएगी दिवाली से पहले पहले, ऐसा बताया कि हमें यहाँ पे एक कैंप और लगाया जाएगा ताकि सब लोग अपनी केवाईसी करा सके, अपना नाम वगैरह ठीक करा लेंगे। इसमें जो हमारे सैनिटरी गार्ड बनने वाले कर्मचारी, उनकी लिस्ट भी यहाँ से जारी कर दी गई, हेडक्वार्टर चली गई है, बाई चांस किसका नाम रह गया तो अपने कंसर्न एसएस से मिलकर, इंस्पेक्टर से मिलकर अपने कर सकता है। तो आज लगभग हमें पूरी तसल्ली है, आने वाले 3 महीने के बाद एक बार फिर रिव्यू किया जाएगा कि देखते हैं कितनी प्रोग्रेस काम में होती है। हमारा दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग को यही मानना है कि हमारे जो कर्मचारी जिस बात के लिए आयोग बना हुआ है, या डिप्टी कमिश्नर साहब ने खुद भी कहा है कि जिस काम के लिए यहाँ पे अधिकृत किए गए, जिनको लगाया गया है, इसको हम फुलफिल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।